गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो फर्स्ट आर्टिकल आज हमारा अ केस ऑफ क्वाइट डिप्लोमेसी। ये इंडिया चाइना बॉर्डर के ऊपर है जो LAC में हम लोग अभी फेस कर रहे हैं। तो राइटर ऐसा कहते हैं कि जून 9 सोर्सेज के थ्रू इंडियन आर्मी ने पहली बार ऐसा पार्शियल डिसंगेजमेंट का एक इशारा करा है, और ये फर्स्ट गुड न्यूज़ है बहुत दिन के गवर्नमेंट की चुप्पी के बाद। गवर्नमेंट को काफ़ी ज़्यादा फ्रंट पे लिया गया है, फायर पे लिया गया है उनके साइलेंस के वजह से। जब राहुल गांधी ने ट्वीट करा था कि हमारे लद्दाख की बहुत सारी जो ज़मीन है वो चाइना ने हड़प लिया है, उसके बाद गवर्नमेंट और मीडिया काफ़ी ज़्यादा हलचल में आ गई। स्ट्रैटेजी ऑफ डीलिंग विद चाइना, ये शुरू से ही हमारी जो है वो क्वाइट डिप्लोमेसी के ऊपर चली है। अभी तो फ़िलहाल 3-4 फ्रंट पे उन्होंने कैप्चर करा है, और LAC के अंदर वो आकर जो टेंट लगाए हैं वो सिर्फ वो पहली बार नहीं है। ये जो क्वाइट डिप्लोमेसी वाला जो जो फंडा है वो सिर्फ NDA ही नहीं अपनाती, इससे पहले UPA भी 2-3 बार अपना चुकी है। तो क्या होता है कि ये हमारे इधर मीडिया में ज़्यादा ये लोग बयानबाजी नहीं करते हैं, लेकिन अंदर अंदर स्ट्रॉन्ग मिलिट्री पोस्चर जो है वो शो किया जाता है चाइना को। क्या मिसाल एग्जांपल में 2013 का एक मिसाल देते हैं। कुछ दिन पहले जो UPA गवर्नमेंट के टाइम पे जो NSA थे, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, शिवशंकर मेनन का एक इंटरव्यू आया था जिसमें उन्होंने ये बताया था कि 2013 में जब पोंगोंग तोसो दिवसांग प्लेन में जब चाइनीज ट्रूप घुस आई थी अंदर, उस टाइम पे भी इंडिया की काफ़ी ज़्यादा किरकिरी हो रही थी इंडियन मीडिया में, और ऑपोजिशन काफ़ी ज़्यादा कुछ वोकल भी था। लेकिन उस टाइम पे भी जो UPA गवर्नमेंट थी उन्होंने बहुत सारा कुछ पब्लिकली ओपन नहीं किया, और अंदर ही अंदर चाइना को ये बात बता दी गई कि अगर वो बैक ऑफ नहीं करते हैं तो हो सकता है जो प्रीमियर ली कियांग जो अभी आने वाले हैं उसको प्लान को कैंसिल कर दिया जाए। और वो काफ़ी अभी जो आने वाले थे काफ़ी ज़्यादा मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के साथ वो यहाँ आने वाले थे, और भी बहुत सारे उनके फ़ायदा थे जो कि अभी जो रिजीम चेंज होने वाली थी हमारी, उनको पता था कि हो सकता है रिजीम चेंज हो जाए, तो जिस वजह से उनको काफ़ी ज़्यादा अभी इम्पोर्टेंट था उनका आना। तो फाइनली चाइना जो है वो बैक ऑफ हो गया। लेकिन अगर आप देखो उस टाइम पे अगर इंडियन मीडिया के सामने UPA गवर्नमेंट ओपन कर देती कि हमने इस तरह का बात कहा है, तो हो सकता है कि चाइना अपने इज्जत के ऊपर, ईगो के ऊपर लेकर और वो वहीं पर टिक जाता। सेकंड, NDA गवर्नमेंट भी ऐसे ही सिमिलर स्टाइल अडॉप्ट करा था उन्होंने भी 2014 स्टैंड ऑफ के टाइम पे एट चुमा। उस टाइम पे चुनार वैली में जब चाइनीज़ की सोल्जर्स PLA जब यहाँ पे थी, तो उस टाइम पे प्रेसिडेंट साई जिनपिंग जो है उनकी विजिट इंडिया के अंदर हो रही थी उस टाइम पे करेंटली। उस समय भी ऐसा क्रिटिसाइज़ हुआ गया किया गया था प्राइम मिनिस्टर मोदी का कि अभी जब चाइनीज़ सेना जब वहाँ बॉर्डर पे है जो LAC क्रॉस कर चुकी है और वो यहाँ पे साई जिनपिंग के साथ झूला झूल रहे हैं। उस टाइम पे भी इंडिया की जो आर्मी है वो 2500 सोल्जर्स वहाँ पे जहाँ पे उन्होंने क्रॉस करा था LAC उस जगह पे भेज कर उनको आउट नंबर कर दिया गया, बट पब्लिकली कुछ भी कहा नहीं गया हमारे इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू के तरफ से। और PLA अल्टीमेटली जो है वो नॉर्दर्न आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल DS हुडा जो कि बताते हैं जैसा कि वो वहाँ से डिसंगेज कर ली कुछ ही दिन के बाद में, और पेट्रोलिंग जो है वो नॉर्मल पुराने स्टेटस क्यो की तरह कंटिन्यू होता रहा। गवर्नमेंट जो है पब्लिकली अनाउंस नहीं कर सकती, अगर 2014 में भी अगर करती तो हो सकता है कि वो चाइना अपने ईगो पे लेकर और बातों को और भी ज़्यादा कुछ भर सकता था, और जो इतनी आसानी से हल हो गया वो और भी ज़्यादा टाइम ले सकता था। अल्टीमेटली जो ऑब्जेक्टिव है हमारा चाइना के साथ फर्म रेजिस्टेंस जो हमें मिलता है वो
उस स्टेटस को बस खाली चेंज करने का है। अगर वॉर ना भी हो तो भी चल सकता है, बस हमारा जो पुराना जो हमारा जो स्टैंड रहता है वो हमेशा हमें मिल जाना चाहिए, ये ज़्यादा बड़ा हमारा मोटो हमेशा से ही रहा है। 2017 में भी जब गवर्नमेंट डोकलाम इशू को फेस कर रही थी उस समय भी काफ़ी ज़्यादा अपोजिशन और मीडिया की तरफ से फायरिंग हुई थी इंडिया के अंदर। तो इस बीच में जो थ्रेट्स हैं बहुत सारे उधर बीजिंग से आ रही थी, सोशल मीडिया में भी जो चाइनीज़ पॉपुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा मीम्स जो है वो इंडिया की तरफ से ट्रोल कर रही थी कि वी विल शूट यू ऑफ एंड दिस एंड दैट। तो इस टाइम पे भी जो रोड एक्सटेंशन चाइना जो करने वाला था यूनिलैटरली उस इंडिया चाइना भूटान ट्राई जंक्शन के ऊपर, तो वहाँ पे इंडिया ने काफ़ी फर्मली वहाँ पर अपने ट्रूप्स को वहाँ डेरा डलवा कर और उनको विड्रॉ करने पे मजबूर किया। उस टाइम में भी वो ज़्यादा हम लोग जनता के अंदर डायलॉगबाजी नहीं कर रहे थे, कोई भी नेता भी ज़्यादा डायलॉगबाजी नहीं कर रही थी। और फिर अल्टीमेटली यही हुआ, शुरू में तो चाइना यही कह रही थी कि हम यहाँ से जो है कि अपनी अपनी जो शर्तें हैं उसको डिवैल्यू नहीं करेंगे, लेकिन अल्टीमेटली वो उन्होंने विड्रॉ करा वहाँ से कुछ शर्तों पे, और फिर चाइना जो है वो अपने कंस्ट्रक्शन को उस जगह पे स्टॉप कर दिया और नॉर्मल पुराना जो स्टेटस को था वो हम लोग फिर से रिस्टोर कर पाए। पॉलिटिक्स ओवर बॉर्डर स्टैंड ऑफ इज़ नॉट न्यू, पहले भी हुआ करता था और हो सकता है कि इसके बाद भी होता ही रहेगा, ऐसा नहीं है कि ये आज जाके ख़त्म हो जाए। 1960 से ही शुरू हो रहा हो चुका है ये चीज़ और वो अब तक चला ही जा रहा है, चला ही जा रहा है, पता नहीं कब ख़त्म हो। अपोजिशन और मीडिया का यही काम है कि वो क्वेश्चन करें, और ये 2014 में मिस्टर मोदी ने भी कहा था जब वो ज्वाइन कर रहे थे सदन कि अगर ऑपोजिशन और मीडिया अपने काम नहीं करेंगे, अपना जॉब ढंग से नहीं करेंगे, तो हो सकता है उनकी उनकी प्रेजेंस पर भी सवालिया निशान पड़ जाए। तो वो परहैप्स अपना काम ही कर रहे हैं इस तरह क्वेश्चंस पूछ के, और अगर ये क्वेश्चन नहीं पूछे जाते तो हो सकता है अभी तक लोग अंधकार में ही रहते। टेंशन जो है एलएसी में वो कोई फर्स्ट बार नहीं है और लास्ट नहीं रहेंगे, जैसा हमने डिस्कस करा। 24/7 जो मीडिया है, सोशल मीडिया है, वहाँ पे भी आजकल जो तरह तरह के जो मीम्स और इस तरह के जो अफवाह फैलते हैं वो उपाय करना चाहिए हमारे रिजीम को, और उसको जल्द से जल्द जैसे भी हो सके क्वेश्चंस को उनको उनके मतलब लमसम कुछ ना, अगर सारे नहीं तो कुछ ना कुछ क्वेश्चंस के आंसर तो देने ही चाहिए, क्योंकि अगर वो नहीं देंगे तो गलत मैसेज जो जाता है उसके उसके वजह से काफ़ी ज़्यादा डायलॉग बाजी जो है वो हो सकती है। इफ़ नॉट इन नॉट फ्रॉम द मिनिस्टर्स इन रिजीम तो हो सकता है कि अपोजिशन वालों से, और ये आजकल सोशल मीडिया में किसने क्या कहा वो बाहर पहुंचने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, तो हो सकता है जो सिचुएशन है वो और भी ज़्यादा बिगड़ जाए उस टाइम पे रिस्पेक्ट में, कि पता नहीं अंदर अंदर क्या डिप्लोमेसी चल रही है कि कहाँ पे क्या बोलना है नहीं बोलना है, लेकिन अगर कोई इन्फॉर्मेशन के अभाव में किसी दूसरे मिनिस्टर ने, अपोजिशन के मिनिस्टर ने अगर कुछ कह दिया कुछ उल्टा सीधा, तो हो सकता है कि सिचुएशन ख़राब हो जाए। तो एटलीस्ट इतना तो इन्फॉर्म्ड होना ही चाहिए कि कब क्या कैसे क्या बोलना है वो चीज़ सबको पता हो। एट द सेम टाइम ये भी हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि अगर पब्लिक डिबेट हम यहाँ पे शुरू कर दें न्यूज़ चैनल के ऊपर में, और वहाँ पे जो मामला है इतना क्रिटिकल है कि नेगोशिएशन जो है वो हो सकता है उसके ये डिबेट के वजह से उसमें प्रॉब्लम आ, जो एक ही जो रिस्क ऑफ टेंशन है इसमें कि जो दोनों साइड के जो नेगोशिएशन है वो ऑफ द रैम ना आ जाए इस तरह के इश्यूज के वजह से, लेकिन जो ब्रॉडर इशू जो है ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव वो हमेशा हर एक इंडियन को एज एन इंडियन यही समझना चाहिए कि पॉलिटिकल डिबेट्स मीडिया हाउसेस में या फिर सदन में वो तभी तक अच्छा लगता है जब तक आपके नेशनल इंटरेस्ट को क्षति ना पहुंचाए और हानि ना पहुंचाए। तो यही है पावर क्वाइट डिप्लोमेसी की। एक और आर्टिकल है छोटा सा, वो भी इंडिया चाइना बॉर्डर के ऊपर में ही है, एलएसी के ऊपर वाले जो टेंशन है उसके ऊपर ही है फिलहाल। तो इसमें ये कहते हैं कि दोनों जो साइड्स हैं इंडिया और चाइना दोनों एक दूसरे के ऊपर काफ़ी ज़्यादा मिस्ट्रस है, दोनों एक दूसरे को ट्रस्ट नहीं करते। अगर ये अगर बेटर कम्युनिकेशन अगर हम लोग एक दूसरे के बीच में रखें तो हो सकता है हम लोग चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से हल कर पाएंगे आगे चल के भी।
वही कहते हैं कि एग्रीमेंट जो है बिटवीन इंडिया एंड चाइना ऑन जून 6, वो पार्शियल एग्रीमेंट ऑफ डिसएंगेजमेंट ऑफ ट्रूप जो है वो लागू हो सका। और ये काफ़ी एक राइट डिसीजन है, और एक स्टेप ही है राइट डिसीजन के तरफ में। ये हो सकता है कि फर्स्ट स्टेप हो, लेकिन जो ये रिस्टोरेशन ऑफ स्टेटस क्यो आने वाला है, इस बार चाइना के मल्टीपल इंकर्सन के बाद 1 मंथ लग गया हमें इस चीज़ को लाने में, और अभी भी पूरी तरीके से नहीं आया है। तो ठीक है, पूरे तरीके से नहीं आया, लेकिन ये जो फर्स्ट स्टेप है, जो कम्युनिकेशन स्टार्ट हुआ है कमांडर लेवल पे, हमारे टॉक्स जो हुए हैं, और ऐसा कहा गया है कि अब आगे चल के भी जो हमारे कॉप्स हैं वो कमांडर लेवल पे टॉक्स जारी रखेंगे, तो ये काफ़ी एक अच्छा डिसीज़न है भारत सरकार का भी और चीन की तरफ से भी। ये जो 5 स्पॉट्स इंक्लूडिंग पेट्रोलिंग पॉइंट्स ऑफ 14, 15 एंड 16 पे जो जो टेंशन चल रहा था, जिसमें चुजूल द नॉर्थ बैंक ऑफ पोंगोंग लेक भी शामिल है, ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक था। पोंगोंग लेक को लेकर चाइना और इंडिया दोनों ही बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हैं, क्योंकि लेक के ऊपर में, तालाब के ऊपर वहाँ पे जो है उसके ऊपर में, झील के ऊपर जो है उसके ऊपर में फेंसिंग नहीं की गई है, और करना भी बहुत मुश्किल है वहाँ पर, और जिस वजह से वहाँ पे जो रेखा के अंदर बाहर हो जाना आ जाना ये काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल है, वो आज से ही नहीं, वो पुराने टाइम से ही, और दोनों ही उस लेक को लेके काफ़ी ज़्यादा सीरियस। तो ब्रॉड प्लान क्या है हमारा? ब्रॉड प्लान यही है कि भाई किसी भी तरह के सीरीज ऑफ टॉक जो है आपका कम्युनिकेशन जारी रहना चाहिए, कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, जितने भी फ्रंट्स पे हो सके, ऑल सारे फ्रंट्स पे जो आने वाले वीक हैं उसमें फॉरवर्ड डिसएंगेजमेंट प्रोसेस जो है वो चालू हो जाए, ये हम चाहते हैं। और आगे फ्यूचर में पोंगोंग लेक के ऊपर जितने भी जो डिफरेंसेस हैं वो भी हमारे अनदर हायर लेवल टॉक्स के थ्रू, कमांडर लेवल कॉप्स टॉक्स के थ्रू हमारा ये चीज़ हल हो जाए। फिलहाल जो 8 फिंगर्स वाला जो रीज़न है, तो चाइनीज़ जो ट्रूप है वो हमारे 4 फिंगर वाले एरिया तक, वहाँ लेक के पास में नॉर्दर्न बैंक जो भी अभी भी इंडिया ही का ही वो एरिया है, वहाँ पे वो अभी भी डेरा डालकर बैठे हुए हैं। फिंगर 1 टू 8 जो है रनिंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, रेफर टू एज द माउंटेन स्पर्स और नॉर्थ बैंक, वो वहाँ पे अभी भी चाइना जो है यूनिलैटरली अपना स्टेटस को मेंटेन करके रखी हुई है, और मानती नहीं है कि वो उनका टेरिटरी नहीं है, वो इंडिया की टेरिटरी है, जबकि वो एक्चुअली में इंडिया की ही टेरिटरी है। चाइना इस वजह से भी इनसिक्योर ज़्यादा हो रहा होगा इंडिया के थ्रू, क्योंकि हम लोग जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो बिल्ड करना शुरू कर दिया LAC के ऊपर, जो ये इस तरह का जो इंफ्रास्ट्रक्चर हम जो LAC के अंदर जो बिल्ड करना शुरू कर दिए हैं, तो इससे क्या है कि एक चाइना जो 1960s में जो हमारा जो वॉर हुआ था उसमें चाइना इसीलिए जीत गया था क्योंकि हमारे पास जो है इंफ्रास्ट्रक्चर उसके बराबर की नहीं थी। अब हमारे पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उससे काफ़ी बोट्स भी कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो जिस वजह से जो आर्मीज़ की जो आवागमन है और भी जो हम लोग जितना भी राहत बचाव कार्य कर पाएंगे वो काफ़ी फ्रिक्वेंट हो जाएगा और काफ़ी प्रॉम्प्ट हो जाएगा, जब चाहे तब कर सकते हैं, जिस वजह से चाइना को जो है वहाँ पे एक जो एडवांटेज था वो अब एडवांटेज उनको थोड़ा सा कम होता दिख रहा है। तो इंडिया अभी फ़िलहाल तो बहुत क्लियर कर चुका है कि हम अपना कंस्ट्रक्शन तो रोकेंगे नहीं भाई, और हम लोग बहुत ज़्यादा ही एक्सेस लेबर के थ्रू के साथ वहाँ पे कंस्ट्रक्शन कंटिन्यू अभी भी किए हुए हैं। वन इम्पॉर्टेंट टेक अवे क्या हो सकता है फ्रॉम जून 6 टॉक्स? एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेक अवे ये हो सकता है कि प्रपोजल, ये जो इम्पैक्ट है वो काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग हो सकता है अगर हम लोग कम्युनिकेशन जो है वो जारी रखें। और ये जो जो एग्रीमेंट अब जो हुआ है उसमें ये कहा गया है कि हम लोग एटलीस्ट 1 साल में 2 बार मिलेंगे, और इंटरेक्शन जो है जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उस बीच में आर्मी लेवल पे, हायर लेवल पे, वो सारा कुछ को हल किया जाएगा। जितने भी जो एक भी अगर बात अगर आप जो याद रखने की वाली है कि रिसेंट टेंशन वजह से एक्चुअली बेटर कम्युनिकेशन होना चाहिए, ये एक स्ट्रैटेजिक मिस्ट्रस्ट जो है बीच में आपस में इंडिया और चाइना का बहुत बड़ा कारण है, तो उस वजह से कम्युनिकेशन जो है वो बेटर होना चाहिए, ये दोनों ही कंट्रीज़ ने मानी है। ये काफ़ी एक अच्छी बात है और एक पॉजिटिव पॉइंट है जो कि हम लोग इस वाले LAC टेंशन्स के तरफ से हम लोग को ये जानने को सीखने को मिला है। लेकिन चाइना के जो पुराने अभी कुछ दिन बीते जो कुछ दिनों में, कुछ मंथ्स में जो एक्शंस रहे हैं वो एक्चुअली मिस्ट्रेस को और बढ़ाता ही है, कुछ ऐसा नहीं है कि मिस्ट्रेस को घटा पाता है।
इल एडवाइस पोस्टरिंग जो है उनकी टॉप पॉलिटिकल लेवल्स की, और इंडियन लीडरशिप में भी जो अभी कुछ दिन पहले एक हमारे होम मिनिस्टर ने वहाँ पे संसद में ऐसा क्लेम किया था कि हम अक्साई चीन भी ले लेंगे, तो इस तरह के जो डायलॉगबाजी है उससे बाज आना चाहिए हमारे इंडियन पॉलिटिक्स को। जस्ट बिकॉज आपने एक लॉ को चेंज कर दिया है आपने एक स्टेट पे, तो आप इस तरह के बातें ना करें। अगर आप ले सकते हैं तो वो अलग बात है, लेकिन जब आपको अभी पता है कि इस टाइम पे सिचुएशन कैसा है, तो अभी फ़िलहाल इस तरह से डायलॉग करके और उनको इनसिक्योर करके कोई फ़ायदा है नहीं। जैसा कि हमने पिछले आर्टिकल में भी डिस्कस किया था कि क्वाइट डिप्लोमेसी को ही फॉलो करना अभी दोनों देशों के हित में है। सो द नेक्स्ट आर्टिकल इज़ ऑन गुजरात लायंस, ये न्यू सेक्शन में था हमारा। इसमें क्या है, CDV के ऊपर में ऐसा कहा जा रहा है कि फिर से जो एक वायरस था आपका CDV, कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस, तो इसके ऊपर अभी भी बहुत सारे 26 लायंस जो है वो मर चुके हैं गिर नेशनल, और इसको फिर भी जो है कि हमारी सरकार मानने को तैयार नहीं है। कुछ दिन पहले एक साल जो पूरा हुआ था एशियाटिक सेंसस, लायन सेंसस का, तो उसका जो रिपोर्ट आया था उसमें 28% राइस आया है 2015 से अभी तक में, और टोटल लाइन काउंट जो है वो 674 पाया गया। तो ये सिमिलर राइज है, 2010 के बाद भी ऐसे ही एक राइज पाया गया था, तो इसका जो है वो बधाई दिया गया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तरफ से और प्रकाश जावड़ेकर की तरफ से। लेकिन जो वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट है उनका ये कहना है कि कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस जो है उसके ऊपर सरकार जो है वो काफ़ी ज़्यादा गंभीर नहीं है। इस साल भी जो है हमने 36 लायन जो है उन्हें गंवाए हैं हमने 2018 से, और ये जो गवर्नमेंट का जो कैलकुलेटिंग जो जो रवैया है, जो कुछ दिन पहले एक हमने बाहर देश से इम्पोर्टेड वैक्सीन मंगवाया था, उसका भी किस तरह के वो एफिशिएंट हो रहा है नहीं हो रहा है, कितने बच रहे हैं नहीं बच रहे हैं, उसका कुछ खास रिपोर्ट उन्होंने जारी नहीं किया है, जो कि उनको करना चाहिए, इस तरह का डाटा शेयर करना चाहिए। यदवेंद्र देव झाला है, उन्होंने वो वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट है और सीनियर साइंटिस्ट, तो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया WII एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है जो कि यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री के अंदर अगर आती है, उनके लिए वो बोलते हैं कि वो 100 साल पुरानी एक मेथड है उसको ही आज तक यूज़ करते आ रहे हैं, और ये जो तरीका है काउंटिंग का लायंस को, ये काफ़ी ठीक नहीं है। वो डायरेक्ट बीट वेरिफिकेशन एक तरीका होता है जिससे एनिमल्स की काउंटिंग की जाती है और वो स्वस्थ हैं कि नहीं उसकी वो भी देखा जाता है। वो क्या होता है कि उनकी जो बीट होती है, मतलब वो ज़्यादातर जहाँ पे वो मिलते हैं जैसे पानी पीने वाले जगह पे थोड़ा देर वो टाइम स्पेंड करते हैं और अक्सर वहाँ जाते हैं, तो वहाँ पे जो उनकी जो बीट गिर जाती है, जो एक्सक्रीटा जो उनकी गिर जाती है, उसका वो स्टडी करते हैं, और उसके थ्रू वो स्टडी करके वो पता लगाते हैं कि कितने लायंस यहाँ पे एक्चुअली हैं, अलग अलग वेरिएशन वहाँ पे आ पाता है, और कितने वो उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कुछ बीमारी तो नहीं है। तो ये जो एक तरीका है वो बहुत ज़्यादा पुराना तरीका है, और झाला डॉक्टर झाला ये कहते हैं कि इससे हो सकता है कि हम लोग ज़्यादा भी नाप लें और कम भी नाप लें लायंस, क्योंकि लायन टोटल 700 स्क्वायर किलोमीटर्स के रेंज में कहीं पे भी कोई भी हो सकता है, और वो एक एक रात में एक एक दिन में 6, 7, 8 किलोमीटर तक वो चल भी लेते हैं, कभी कभी 14 किलोमीटर भी चल लेते हैं। तो जिस वजह से ये जो है ये परमानेंट एक आपका सॉल्यूशन तो है नहीं। हाँ, जैसे हम लायन का मार्किंग करते हैं, काउंटिंग करते हैं नए नए टेक्निक से थ्रू, कैमरा टैपिंग हो गया, फिर उसके बाद परमानेंट मार्क्स हो गए जो कुछ कुछ बॉडी में मार्क्स होते हैं, टाइगर में तो खैर उसमें लैसेस होते हैं, तो वो हर एक टाइगर का आपको पता होगा जितने भी जो स्ट्रिप्स होते हैं वो यूनिक होता है अपने आप में, जैसे हमारा फिंगरप्रिंट एक आदमी का दूसरे में नहीं हो सकता, वैसे ही उनका भी जो 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 चिन्ह होता है उनके बॉडी में वो सब में एक जैसा नहीं होता, हर किसी में अलग अलग टाइप का होता है, तो उसे मार्क करना बहुत आसान, जैसे कैसे हम लोग मोबाइल में QR कोड नहीं लेते हैं वैसे ही वो यूनिक होता है, वैसे ही उनको भी मार्क करना एक साइंटिफिक तरीके से काफ़ी आसान हो जाता है। तो यहाँ पर डॉक्टर झाला बोलते हैं कि ठीक है उनके पास नहीं है कोई स्ट्राइप्स, तो हम लोग उस उनमें कुछ ना कुछ परमानेंट मार्किंग्स होते हैं, उनके थ्रू हम लोग उनको काउंटिंग कर सकते हैं, और इन्होंने अपने टीम के साथ ये चीज़ करा भी था कुछ दिन पहले, तो 67, 65 से कुछ 60s में कुछ ये काउंट कर पाए थे। तो इसके बाद जो हमारे संवाददाता हैं द हिंदू के, वो आगे चल के यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री के ही एक
ऑफिशियल्स से वो बात किए थे, तो उनका ये कहना था कि ये जो डोमेन है कि किस तरीके से काउंटिंग कर सकते हैं हम लोग वाइल्ड लाइफ के ऊपर, वो प्योरली स्टेट इशू है, और वो स्टेट ही, पर्टिकुलर स्टेट ही बताती है कि हमें किस तरीके से आगे बढ़ना है नहीं बढ़ना है, तो इसके ऊपर हम ज़्यादा कुछ इंटरफेयर कर नहीं सकते। हाँ, हम लोग ही काउंटिंग के, WII के मेंबर हैं वो, जिससे इन्होंने बात करा था हिंदू ने, तो हमने ही काउंटिंग में मदद करा था टाइगर, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी को काउंटिंग में, सेंसस में। लेकिन इस वाले मामले में, चूंकि इंडिया में सिर्फ और सिर्फ लैंड जो है वो आपके गुजरात में ही है, तो इस वाले मामले में गुजरात सरकार ही इंटायरली रिस्पॉन्सिबल है, और उनके जितने प्रोटोकॉल हैं उनके उनसे कोऑर्डिनेट करके ही हमें चलना पड़ता है। और जैसा कि आपको पता है कि टाइगर्स के स्ट्राइप यूनिक होते हैं, और उनको निकाल पाना, उनके थ्रू काउंटिंग कर पाना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है, लेकिन ये सेम चीज़ आपका लायन के साथ नहीं हो सकता, क्योंकि उनके ऊपर कोई स्ट्राइप्स नहीं होते हैं, और परमानेंट मार्क्स जो हैं वो हो सकता है आज कुछ और हो कल कुछ और हो, क्योंकि वो ओपन में वाइल्ड लाइफ हंटिंग करते हैं, जिस वजह से जो स्ट्राइप्स हैं वो घटते बढ़ते रहते हैं। यही सेम सिचुएशन आपके राइनो और एलिफेंट के साथ भी होता है, उनको भी काउंटिंग करने में हमें इस तरह की प्रॉब्लम्स आती। कैमरा ट्रैप एक अच्छा सॉल्यूशन हो सकता है, लेकिन फिलहाल एक फिजिबल सॉल्यूशन हमें लग नहीं रहा है। हमारे पास और भी बहुत सारे आइडियाज़ हैं जिसके हम लोग यूज़ करके, मतलब टेक्नोलॉजी को यूज़ करके हम लोग स्टैंडर्ड और न्यू न्यू तरीका, मतलब स्टाइल से हम लोग उसको काउंटिंग कर सकते हैं, लेकिन अभी उसके ऊपर कंसिड्रेशन अभी बाकी है, और हम लोग उसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं, और स्टेट, लेकिन सब अल्टीमेटली ये स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर ही डिपेंड करता है कि वो कितना ज़्यादा इसके ऊपर ध्यान दे पाते हैं। जहाँ तक कि CDV इन्फेक्शन्स के बारे में बात बात है, तो 2018 में ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा प्रचलन में था, इस साल तो कुछ उतना ज़्यादा प्रचलन में हमने सुना नहीं है, अगर कुछ होगा तो हम लोग उसके ऊपर अपडेट आपको देंगे, ऐसा जो है वो सीनियर ऑफिशियल्स का कहना था। सर, प्रोटेक्टेड एरिया HS सिंह, मेंबर ऑफ इंडियाज नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ और एक्सपर्ट हैं वो ग्रिड नेशनल ग्रिड लायंस के ऊपर में भी, उनका ऐसा कहना है कि इस साल 26 लायन जो है वो CDV के हत्थे चढ़ चुके हैं और वो मारे जा चुके हैं। वायरस जो है वो एंडेमिक है, एंडेमिक पेंडेमिक के ऊपर मैं आपको डिफरेंस कुछ दिन पहले आपने पढ़ा होगा न्यूज़पेपर में, काफ़ी ज़्यादा प्रचलित था। एंडेमिक है कि एक पर्टिकुलर एरिया में उसका ज़्यादा प्रभाव है, और जब अगर वो और भी ज़्यादा बड़े लेवल पे वो संक्रमण जो है वो फैल जाता है किसी भी बीमारी का, तो वो पैंडमिक कहलाने लग जाता है। ठीक है, एंडेमिक और पैंडमिक में यही डिफरेंस है। तो वो ये कहते हैं कि ये जो वायरस है CDV, ये एक एंडेमिक वायरस है जो कि मवेशियों को ज़्यादा होता है, जो आसपास के जो लाइफ स्टॉक है, मवेशी है, गाय भैंस या फिर कैटल, इस तरह उनको ज़्यादा CDV होता है, और उनके थ्रू जो लायन और टाइगर है वो उनको अगर मार के, उनकी शिकार करके वो खा लेते हैं, तो हो सकता है कि उनको भी वो चीज़ हो जाए ऑब्वियसली। तो ये एक मास हमें चलाना पड़ेगा, एक काफ़ी बड़ा वैक्सीनेशन वाला मुहिम चलाना पड़ेगा, तो आसपास के जितने भी जो लाइफ स्टॉक हैं उनको हम वैक्सीनेट कर देंगे अगर, तो ये चीज़ जो CDV वाला कंट्रोल हो सकता है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा चिंता वाला इशू है कि सिर्फ 40% जो लायन है वो प्रोटेक्टेड एरिया में रहते हैं, बाकी जो 60% लायन है वो अनप्रोटेक्टेड एरिया में रहते हैं, मतलब घेरा के बाहर रहते हैं, जिसमें कि वो आसपास के लाइफ स्टॉक के से वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेक्ट करने की उम्मीद हमें रहती है हमेशा। दूसरी बात ये कि अगर हम लोग न्यू तरीके का, अगर हम इस्टीमेट नहीं कर पाए, काउंटिंग वाला तरीका अगर हम नहीं अपना पाए, तो हम लोग हमेशा ही ऐसा मतलब अटपटा सा नंबर हमें मिलता रहेगा, कभी एग्जैक्ट नंबर नहीं मिल पाएगा कितने हमारे पास एक्चुअली में लायन है, जो कि इनका अनुमान ऐसा है कि हमारे पास 700 से ज़्यादा लायन है जो कि आउटसाइड प्रोटेक्टेड एरिया है, मतलब उससे ज़्यादा कुछ कुछ और ज़्यादा भी हो सकता है कि, लेकिन अभी इनका ऐसा अनुमान है कि 700 से ज़्यादा है, जो कि गुजरात सरकार तो 600 समथिंग, 76-74 ऐसे कुछ बता रही है। अब इसमें ये भी आता है कि गुजरात क्यों सरकार क्यों छुपा रही है कि अगर ज़्यादा नंबर हो जाएगा तो हो सकता है कि उनको उनका तो अब वो फॉरेस्ट एरिया तो उसको बढ़ा नहीं सकते ना, वो सिविलाइजेशन में तो घुसा नहीं सकते, तो डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी जब लायंस की, तो उनको वहाँ से हटाना पड़ सकता है लायंस को, और नेशनल प्रेशर पड़ सकता है हायर अथॉरिटीज़ के थ्रू, तो उनका जो यूनिक टूरिस्ट डेस्टिनेशन वाला जो फंडा है
जो राज्य सरकार को उससे जो रेवेन्यू आती है, तो वो चीज़ उनका टैगलाइन जो है वो उनसे हट में मतलब हट सकता है। और मध्य प्रदेश सरकार उनसे काफ़ी सालों से ये मांग रही है, उनके पास बहुत सारे ग्रास लैंड है जहाँ पे उनको वो लायन को रख सकते हैं, पालन पोषण कर सकते हैं, लेकिन गुजरात सरकार जो है वो उसको देने को राजी नहीं है। तो कुन्नू पालपुर इन मध्य प्रदेश जो है वहाँ वो सेंचुरी में रखने की बातें काफ़ी दिन से एक प्रस्ताव रखा जा रहा है, लेकिन ये लायन ट्रांसलोकेशन करने को गुजरात सरकार जो है वो रेडी नहीं है। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा द गांधी मंडेला एंड द किंग्स ऑफ टुडे। द राइटर कहते हैं कि अगर हम गांधी मंडेला नेल्सन मार्टिन लूथर किंग जूनियर इन सब को अगर मानते हैं, तो इनको सिर्फ मानने से नहीं होगा, हमें तत्कालीन जो प्रॉब्लम जो चल रही हैं उनके बारे में सोचना, उनके बारे में गहन विचार करना, उनके बारे में सरकार से सवाल जवाब करना, और अगर हो सके तो रोड पर उतर के आंदोलन करना, यही उनकी जो है वो एक विरासत है हमारे पास। और अगर वो हम उसको फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, तो अपने हीरो हीरोइंस को हम एक्ट सिर्फ याद करके उनको श्रद्धांजलि नहीं दे पाएंगे। अगर हम पीछे देखते हैं तो एक क्लियरली आउटलुक आपको दिख सकेगा कि आपके और आपके वर्ल्ड जो आपके अराउंड है, एनवायरनमेंट जो है उसमें भी आपको दिख सकेगा कि हम लोग किस तरह के फ्यूचर के अंदर जा रहे हैं। इंडिया एक फ्री कंट्री है फिलहाल, साउथ अफ्रीका सरकार थी अपार्थी थ्रेड जो सरकार थी उसके चुंगल से बाहर निकल चुकी है। यूएस के अंदर भी एक अब सिविल राइट्स एक्ट आ चुका है जो कि डिस्टिंग्विश नहीं करता है स्लेवरी को और इस तरह की बातें, एक्चुअली इन लॉज में तो आ चुका है। यूएस इससे अच्छा भी कर चुका है, जैसे कि एक अब उन्होंने बैरक ओबामा को चूज़ किया है एज अ प्रेसिडेंट, जो कि ब्लैक ओरिजिन से अफ्रीकन अमेरिकन ओरिजिन से बिलोंग करते हैं, तो जिस वजह से हर कोई हर कंट्री अपने अपने स्फेयर में आगे बढ़ चुका है, जितने भी वो पुराने जो डिस्क्रिमिनेशंस थे उसके थ्रू। लेकिन इंडियन हो, साउथ अफ्रीकन हो या फिर अमेरिकन, क्या वो आज भी खुश है इस सब डिस्क्रिमिनेशन से अलग हैं? ये आपको इनसे ने आपसे पूछना पड़ेगा कि क्या वो सही में इन सब से डिसकंटेंट है या फिर नहीं है। दे वुड आस्क अस दिस क्वेश्चन इन एंजाइटी एंड पेन। जो ग्लूटन सिविलाइजेशन है, ग्लूटोनी सिविलाइजेशन, उनका ऐसा कहना है कि इंडिया हो, साउथ अफ्रीका हो या फिर यूएस हो, जितने भी जो वर्ल्ड अराउंड है हमारे हमारे जो पूरे आसपास के जो इन्वायरमेंट है उसमें जो ये ग्लूटोनी जो सिविलाइजेशन है जो कि अपनी सुविधा, अपने सुख सुविधा के अलावा वो किसी और की सुख सुविधा या फिर उसके पेन को समझते नहीं है, ये एक काफ़ी बड़ा श्राप है हमारे अर्थ को, जो कि उसके रिसोर्सेस को हंट डाउन कर रही है और धीरे धीरे जो ह्यूमन को छोड़ के बाकी जितने भी जो लाइफ फॉर्म्स हैं उनको खतरे में डाल रही है सिर्फ अपने कॉमर्शियल प्रॉफिट्स के वजह से। और वाइल्ड एनिमल मार्केट जो है आप देखो कि करीब करीब हर एक सिटीज और टाउन्स में आजकल फैलते जा रहा है, पहले सिर्फ रिच उसके यूज़ करते थे, आजकल जो रेट काफ़ी ज़्यादा लाइफ स्टॉक जो उगाया जा रहा है जिस वजह से उसके रेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम होते जा रहे हैं, और धीरे धीरे वो पुअर से भर के वो अब रिच की तरफ भी जा रहा है, लेकिन पूरा का पूरा पुअर अभी भी जो है कि उसको यूज़ नहीं कर रहा है, लेकिन जो सफ़र जब करना पड़ता है तो डिसरिकार्ड कि आप पुअर हो या फिर आप रिच हो, सबको सफ़र करना पड़ता है। जैसे कि कोरोना वायरस को बताते हैं, कोरोना के ऊपर जो कोरोना का, जैसे आपको नाम पता होगा कि कोरोना का नाम कोरोना क्यों पड़ा, ये जो इसके ऊपर क्राउन लाइक स्ट्रक्चर्स जो बने हुए हैं कोरोना वाले वायरस के ऊपर, तो इसी के वजह से इसका नाम जो है वो कोरोना पड़ा था। तो वो कहते हैं कि कोरोना का जो क्राउन है वो एक नोवल कोरोना वायरस माइक्रोब का उसी तरीके का है जैसे कि जो जाइंट प्लूम जो बनता है, जो उस समय हिरोशिमा नागासाकी में जैसे ही जो एटम बॉम्ब जब ब्लास्ट किया था तो उसमें काफ़ी ज़्यादा इस तरीके का मशरूम लाइक स्ट्रक्चर बना था, तो वो भी देखने में काफ़ी सुंदर लगता था। तो वो ये कहते हैं कि ये भी उसी की तरह काफ़ी ज़्यादा सुंदर है, और जो क्योंकि जो विक्टिम है इसमें भी उसमें भी इनोसेंट ह्यूमन बींग्स मारे गए थे सरकारी टेंशन के वजह से, और इसमें भी इनोसेंट पुअर और मार्जिनलाइज लोग सफ़र कर रहे हैं, किसके वजह से, कोई एक स्पेशल क्लासी सिटीजन के वजह से जिन्होंने कुछ एक वाइल्ड लाइफ मतलब जो भी उन्होंने इल रेगुलेटेड प्रैक्टिसेस की उसके वजह से।
सिर्फ चाइना को ब्लेम करने से ये चीज़ का हल नहीं आएगा। आप देखिए कि ये जो ज़ूटोनिक पैंडेमिक जो आया है, ज़ूटोनिक पैंडेमिक, ये एक मॉडर्न टाइप का पावर हाउस है जो कि अब हमारे मानव जनजाति को हॉन्ट कर रहा है। इससे पहले हम लोग न्यूक्लियर डिज़ास्टर से निपट चुके हैं, केमिकल वॉर से हम लोग, मतलब केमिकल वेपन्स यूज़ किए गए बहुत सारे कंट्रीज़ के खिलाफ, उसके खिलाफ हम लोग निपट चुके हैं, बायोलॉजिकल वेपन्स के थ्रू हम लोग लड़ चुके। अब आया है आपका ज़ूटोनिक पैंडेमिक, और इसके थ्रू भी हम लोग लड़ना ही होगा और झेलना ही पड़ेगा। ये जो प्रैक्टिस करते हैं हम लोग कस्टोडियल टॉर्चर, जैसे कि किसी भी जानवर जनजाति को हम लोग जो कैप्चर करके रखते हैं, उसके ऊपर जो बहुत सारे टॉर्चर्स किए जाते हैं, उसको मार काट के खाया जाता है, तो ये जानवरों के ऊपर तो हम कर रहे हैं। लेकिन आप देखिए कि बहुत साल पहले एडवर्ड ल्यूटियनी मंडेला ऑफ साउथ अफ्रीका, इन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया था, वो बिना किसी ऑब्जेक्शन या फिर किसी रिजर्वेशन के ही यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर उन्होंने साइन कर दिया। तो वो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन जो है अगेंस्ट टॉर्चर, वो है क्या एक्चुअली, ये एक साइड ऑफ नोट, मतलब ये आपका लिखा हुआ नहीं है आपके आर्टिकल में, वैसे ही आप जान जाइए वो एक्चुअली है क्या, कि जो भी अगर क्रूएल इनह्यूमन टॉर्चर हो, डिग्रेडिंग ट्रीटेड पनिशमेंट हो, पहले के ज़माने में आपने देखा होगा कि पहले जितने भी आजकल सीरीज़ आती है उसमें भी आपने देखा होगा कि काफ़ी ज़्यादा इनह्यूमन तरीके से टॉर्चर किया जाता था, कान काट कर या फिर आपके किसी ऑर्गन को काट कर, और वो ज़िंदा रखा जाता था उनको, और उन टॉर्चर करके उनसे उनके थ्रू इन्फॉर्मेशन निकाले जाते थे। तो ये जो 19 जून 1987 में ये फोर्स में आया, इसके बाद से लागू हो चुका, उसके बाद से ऐसा हो गया इंटरनेशनल ह्यूमन राइट ट्रीटी के अनुसार ये लागू हो गया है कि आप ज़्यादा टॉर्चर नहीं कर सकते किसी को भी, और अगर आप ये टॉर्चर की बात जो है कि अगर वो उजागर हो जाती है या फिर वो हम साबित कर पाते हैं, तो काफ़ी सीरियस सैंक्शन लग सकती है उस देश के ऊपर में। इसमें और भी एक आता है, इंडिया भी इसकी सिग्नेटरी है कन्वेंशन की 1997 के बाद से, और इसमें एक और ये भी आता है कि आप किसी आदमी को दूसरे स्टेट या फिर ऐसी जगह पे भेज भी नहीं सकते हो जहाँ पे उसके जान माल को खतरा है या फिर ऐसा लगता है कि वहाँ पे उसको काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर किया जाएगा। इस तरह के जो रिजर्वेशंस था, इस तरह का एग्रीमेंट जो था, उसको अब्राहम लिंकन हो या फिर मार्टिन लूथर किंग जूनियर हैं यूएस के, ये सब को भी कोई रिजर्वेशन नहीं था इस सब को फॉलो करने में। रविन्द्रनाथ टैगोर और गांधी इस चीज़ को रेटिफाई नहीं कर पाए, उनके आने से पहले, ये एग्रीमेंट आने से पहले ही वो जा चुके थे, लेकिन क्या वो रहते तो इस चीज़ को रेटिफाई नहीं करते? वो नहीं करते, बिल्कुल करते दोस्त, क्योंकि ह्यूमन लाइफ के और टॉर्चर्स के, किसी को अगर आप टॉर्चर करते हो उसके खिलाफ कोई चीज़ वैल्यूबल हो ही नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता। जॉर्ज फ्लॉयड भी, जो अभी कुछ दिन पहले उनकी जो मृत्यु हुई थी, उनकी आखिरी वर्ड जो थे वो था आई कांट ब्रीद, ये इसी तरह की का था लगता है जैसे कि मार्टिन लूथर जूनियर का कहना था आई हैव अ ड्रीम। जब पूरी दुनिया मास्क लगाकर फियर में और अपना प्रीशियस लाइफ बचा रही है, ओपनली इनहेल भी नहीं कर पा रही है, वहाँ पे इस जॉर्ज फ्लॉयड को घुटनों से दबाकर उनको सांस लेने पे, मतलब सांस भी नहीं लेने दिया गया, तो उनके ड्रीम्स को किस तरीके से कुचला गया है, ये एक फिलोसफल तरीके से ये राइटर यहाँ बताना चाहते हैं। एक लॉन्ग वॉक होम, जो गांधी जी को, अब हम लोग राइटर जो हैं वो माइग्रेंट्स के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, वो बताते हैं कि जो गांधी जी हैं उनको भी एक बार ट्रेन से उठाकर फेंक दिया गया था, वो भी एक माइग्रेंट वर्कर ही थे, जब वहाँ उनको पीटर मार्टिन मार्टिसबर्ग में 1983 में ट्रेन से उठाकर फेंक दिया गया था, जून 7 ही था उस समय भी, टाइम डेट जो है वो आजकल अभी 2 3 4 दिन पहले ही निकला है। तो वो जो रात था उसमें ऐसा कहा जाता है कि गांधी को गांधी से उठाकर महात्मा गांधी बना दिया, ये कॉलोनियल हिस्ट्री का उन्होंने फिर उसके बाद ही उसको अंत लाने के लिए सोचा, पहले साउथ अफ्रीका में कुछ काम करा उन्होंने, फिर वो वहाँ से उठ करके इंडिया में आए। आजकल भी कुछ ऐसे ही हो रहा है, ट्रेन और जून ये सब काफ़ी ज़्यादा मिलता जुलता है, लेकिन यहाँ पे किसी को ट्रेन से उठा कर नहीं फेंका जा रहा है, बल्कि मिलियंस ऑफ मिलियंस लोगों को ऐसी महामारी वाले टाइम में चिपका चिपका कर एक दूसरे से और उनके घर भेजा जा रहा है। ये भी कोई एट्रोसिटी से या टॉर्चर से कोई कम नहीं है। माइग्रेंट वर्कर आपके गांधी जी भी थे, और यहाँ के जो माइग्रेंट वर्कर ये भी माइग्रेंट वर्कर ही है, बस डिफरेंस इतना है कि वो
दूसरे देश गए थे और उनको काफ़ी ज़्यादा सॉलिड इनकम हो रहा था उनके एडवोकेसी से। लेकिन ये जो माइग्रेंट वर्कर हैं बेचारे गरीब हैं और वो इंडिया के अंदर ही दूसरे स्टेट के अंदर गए हैं। अभी जो माइग्रेंट वर्कर हैं उनको लॉकडाउन कर दिया गया था, उनके लाइवलीहुड से जो कमाते थे खाते थे उनसे उनको बेदखल कर दिया गया था। उन कैसे वो ट्रैवल कर सकते हैं अपने ही कंट्री के अंदर, उससे उनको स्ट्रिक्ट कर दिया गया था, उनको मना कर दिया गया था कि वो नहीं जा सकते हैं। और जितने भी जो लॉकडाउन की वजह से जो उनके ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज किए गए थे वो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं था कि उससे कोई आपका जो वायरस है वो रुक जाता, वो रुका नहीं। अभी आप देख ही सकते हो कि बहुत ज़्यादा वो फैल ही गया है। जब लॉकडाउन हुआ था इसके मायने आपने बहुत बार पहले भी पढ़ा होगा कि इसके मायने क्लास के अनुसार बहुत ज़्यादा डिफरेंट था। जैसे कि जो सोसाइटी में, कुछ सोसाइटी में जो है लॉकडाउन जो है वो स्टेइंग होम था, अपर सोसाइटी में वो स्टे घर में रहिए, वॉचिंग फिल्म्स, बेकिंग, ईटिंग, तो उनके लिए वो ईटिंग बेकिंग और इस तरह का काम करना लॉकडाउन का मायने था। लेकिन बिल्कुल ऑपोजिट जो है जो माइग्रेंट वर्कर्स थे, जो पुअर जनता थी, उनके लिए बिल्कुल एक सडन डिसअपीयरेंस ऑफ वेजिंग्स था। उनका जो काम काज था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया था। उनकी सिक्योरिटी कि आगे वो किस तरीके से खाएंगे पिएंगे, क्या रहन सहन रहेगा, क्या करेंगे, कहाँ रहेंगे, कैसे जाएंगे घर, वो सब कुछ बिल्कुल एक 4 घंटे की जो टाइम जो उन्होंने दिया था लॉकडाउन से पहले, उसमें सब कुछ तबाह हो गया। जिस वजह से ये जो ओवर क्राउडिंग था और उसके उस ओवर क्राउडिंग में, इस महामारी के टाइम पे भी ओवर क्राउडिंग में उनको सांस लेने पड़ रहा था और छोड़ना पड़ रहा था घंटों घंटों। इसके बावजूद बहुत सारे ऐसे लोग भी थे जो कि पैदल ही अपने घर जाना प्रेफर करने लग गए। फिर ट्रेन भी जो है वो टाइमली पहुंच नहीं पा रही थी अपने अपने गंतव्य स्थानों पर, जिस वजह से बहुत सारे जो फेलो ह्यूमन बीइंग्स थे उन्होंने, कुछ लोग तो जो अभी घर पे रह रहे हैं और बाकी जो नहीं रह पाए, जिनके पैसे ख़त्म हो गए या फिर और भी जो बहुत सारे जो कारण थे जिसके वजह से वो अपने अपने ट्रेन में डिप्लॉय होकर वो अपने दूसरे जगह पे जो सोशल डिस्टेंसिंग के थ्रू को सोशल डिस्टेंसिंग को ताक पे रख के और वो अपने घरों को निकल चुके। इंडियन रेलवे में 80 माइग्रेंट्स का की मौत हुई है अभी कुछ दिन पहले। राइटर का ऐसा मानना है कि वो कोरोना वायरस से कम और इन्फेक्शन और स्टारवेशन से ज़्यादा वो मरे हैं। स्टारवेशन के वजह से जो उनको खाना नहीं मिल रहा था, भूख के वजह से मर रहे हैं। इंडियन रेलवे या फिर गवर्नमेंट को एक सच कबूल करना चाहिए। अभी भी वो जो है वो मान नहीं रहे हैं इस बात को कि उनकी जो गलती है उस वजह से माइग्रेंट वर्कर्स की जान गई है। एटलीस्ट वो इतना तो कर ही सकते हैं कि अपनी गलती को माने, क्योंकि ऐसा भी कहा जाता है कि जब तक आप किसी गलती को मानोगे नहीं तब तक आप उसको सुधार तो बिल्कुल ही नहीं सकते। हम लोग अपने हीरोज़ के बारे में सोच सकते हैं, अपने हीरोज़ के बारे में बात कर सकते हैं, लेकिन इनडिफिटेबल डॉक्यूमेंट क्या है? रूरल लाइवलीहुड्स को किस तरीके से इंडिया में आप सुधार सकते हो? पी साईनाथ जो एक व्यक्ति है, उनके कलीग है पुष्पा उसेंदी रोइंग रोकांडे, पुरुषोत्तम ठाकुर एंड कमलेश प्रियंग, वो ऐसा कहते हैं कि जुमलो मादकम एक 12 ईयर ओल्ड ट्राइबल मूरिया कम्युनिटी ऑफ छत्तीसगढ़ की एक लड़की थी जो कि चिली फार्म्स में काम करती थी, मिर्च के फार्म्स में तेलंगाना में काम करती थी। जैसे ही लॉकडाउन होता है तो उसने ऐसा अनाउंस किया कि वो अपना घर जाना चाहती है, क्योंकि उसको वहाँ पे से निकाल दिया गया कि अब आपको काम यहाँ पे करने का हम अलाउड नहीं कर सकते, तो आप घर जा सकते हो। तो वो 12 साल की लड़की पैदल चलकर वो घर जाना शुरू की। 3 दिन तक कंटिन्यू वो पैदल चलती रही। 140 किलोमीटर तक उसने पैदल चला। उसको बस 60 किलोमीटर और चलना था उसके विलेज आ जाता, लेकिन वो कुछ खाए पिए बिना उतने दूर से चलते आ रही थी। और वहाँ पे भी जो वो रहती थी, मिर्च वाले फैक्ट्री में काम करती थी, तो कुछ उस हैंडसम लाइवलीहुड तो उसका था नहीं, वो नॉर्मली बस जीने भर वो कमा पाती थी। तो क्या वो वायरस की वजह से मरी? नहीं, वो वायरस की वजह से नहीं मरी। क्या उसको ट्रेन के बाहर फेंक दिया गया था? नहीं, उसको ट्रेन के बाहर भी नहीं फेंका था, उसको अपॉर्चुनिटी से उठाकर फेंक दिया था। उसकी जो अपॉर्चुनिटी थी उससे उसको बेदखल कर दिया गया था, और जिस वजह से उसकी जो लाइफ है, कोई गवर्नमेंट या पॉलिटिशियन उसको बिट्रे नहीं किया, ना ही कोई एम्प्लॉयर की फैक्ट्री बंद करके उसको भगा दिया गया। एक्चुअली जो इंडियन कंज्यूमरिस्ट जो है
ये सोसाइटी जो इंडियन कंज्यूमरिस्ट पॉपुलेशन जो है हमारा, जिसमें हम और आप भी आते हैं, हमने उसको बेदखल किया, हमने उसको उसके लाइवलीहुड से। लेकिन क्या ये कोविड-19 के बाद जो हम लोग लॉकडाउन के बाद जो एक एक इरा आने वाला है, उसमें हम लोग अपनी गलतियों को समझ पाएंगे, मान पाएंगे? जो नेचुरल इनहेरिटेंस जो हमें मिला है, उसके हम लोग और ज़्यादा उसको बर्बाद प्रोलिफरेट कर पाएंगे, मिसयूज़ कर पाएंगे? करते ही रहेंगे ऐसा क्या? इतने सारे लोग जो मरे हैं, थाउजेंड्स ऑफ थाउजेंड्स, उनके मौत से हम लोग कुछ सीख पाएंगे क्या? या फिर अभी भी वैसे ही होगा, जो अपर क्लास अभी इतने प्रॉपरली रिलैक्स मूड में अपने घर में जो बैठे हुए हैं, बस लॉकडाउन ख़त्म होने का इंतज़ार कर रहे हैं, तो क्या अभी भी इसके बाद भी मैं यही सोचूं कि ऐसे ही चलता रहेगा, और जो मरे हैं उनको हम ये सोच के मर जाएं कि हाँ उनको तो मरना ही था, लोग तो मरेंगे ही, इस तरीके से फिर उसका हम फिर से वही सब सारा कुछ करने लग जाएंगे, वाइल्ड लाइफ हंटिंग और इम्प्रॉपर माइनिंग और ये सारा कुछ, जिसके वजह से और हमारा इतना सारा जो जान माल का अक्सर नुकसान होता रहता है। राइटर कहते हैं कि उनको एक रे ऑफ होप है, एंड वी मस्ट नॉट लेट दिस डाउन। राजा मोहन गांधी जो इन ये राइटर हैं, वो पुराने गवर्नर भी थे और मिनिस्टर भी रह चुके हैं। वो ऐसा कहते हैं कि ली वेंगलांग जो वुहान के जो डॉक्टर थे, जैसा आपने सुना होगा कुछ दिन पहले, कि वो सबसे पहले थे जो कि कोरोना वायरस के बारे में सबको बताना शुरू किए थे, लेकिन उनको रातों रात उठा लिया गया और कुछ दिन के बाद उनकी मौत हो गई थी। तो ली जब मर रहे थे, तो उनके मरने से पहले उनके ऐसे कहना था कि ये जो रूमर और सोशल डिस्टर्ब फैलाने के वजह से मुझे जो यहाँ पे ये ऑर्डर के थ्रू मुझे जो ट्रोल किया जा रहा है, आपको पता चलेगा, आई थिंक देयर शुड बी मोर देन वन वॉइस इन हेल्दी सोसाइटी, ऐसा ली का कहना था मरने से पहले। उनका मानना था कि सिर्फ एक ही आदमी को ऐसे हिम्मत नहीं होना चाहिए कि जो कि वो कुछ बात बोलकर बोले, और उसको तब क्या होता है कि सरकार को ऐसा राइट मिल जाता है उसको दबाने का। अगर कोई बात आपको सही लगती है, तो आप उसको सपोर्ट कीजिए, सामने वाले को एटलीस्ट आप सपोर्ट तो कर ही सकते हो, जिस वजह से उसके ऊपर, अकेले के ऊपर भार उतना ज़्यादा ना फूट पाए। राइटर कहते हैं कि इस तरह के जो लीज, डॉक्टर लीज जो हैं, वो हम इंडियंस, अमेरिकन और अफ्रीकन, इन सब के बीच हैं। डॉक्टर्स, नर्सेस, लैब असिस्टेंट, पुलिस, गार्ड्स, इन सब के बीच इतने सारे हैं जो कि स्पीक कर सकते हैं, अब सिर्फ और सिर्फ रेसिज्म के खिलाफ नहीं, और भी बहुत सारे क्लासिज्म के खिलाफ, कैलियोस इलिटिज्म के खिलाफ, कि किस तरीके से जो एक स्पेशल वर्ग है, उसके वजह से जो सारे निम्न वर्ग वर्ग जो हैं, जिनको लाइवलीहुड से बेदखल कर दिया जाता है, जो कि पैदल चल के मर जाते हैं, भूख और प्यास के वजह से, गर्मी की वजह से मर जाते हैं, जिनको एक खास वर्ग के वजह से ही हजारों किलोमीटर महामारी सिचुएशन में भी दब दब कर और एक साथ बहुत सारे लोग एक ही डिब्बे में बैठकर आने से मजबूर वो हो जाते हैं, ये एक कैलियोस इलिटिज्म का ही वरदान है उनको। तो राइटर ये भी कहते हैं कि प्रोटेस्टर्स जितने यूएस, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में हैं, जो कि आई कान ब्रीथ कैंपेन को लीड कर रहे हैं या फिर उसमें सम्मिलित हो रहे हैं, वो एक्चुअली ऐसा गांधी, मंडेला या फिर किंग के नाम पर नहीं कर रहे हैं, एक्चुअली वो वही कर रहे हैं जो गांधी, मंडेला या किंग अभी इस टाइम पे होते तो वो करते। इनफैक्ट गांधी, मंडेला और किंग जो हैं, वो टुगेदर विथ ली, डॉक्टर ली और जॉर्ज फ्लाइड फ्लॉयड एंड जामलो, जो जो बच्ची जो मर गई, उनको ये कह दे कि कोई बात नहीं, वी आर देम। आईआईटी मद्रास टॉप गवर्नमेंट रैंकिंग हासिल की है, इंडिया के अंदर जो है वो टॉप इंस्टीट्यूट आईआईटी मद्रास है, उसको फॉलो किया आईआईएससी बैंगलोर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर, आईआईटी दिल्ली, और जो है वो थर्ड रैंकिंग में है। ये किसके थ्रू रिलीज़ किया गया? NIRF के थ्रू रिलीज़ किया गया, HRD मिनिस्ट्री के थ्रू। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT मद्रास इज स्टिल कंट्रीज बेस्ट इन द फील्ड ऑफ हायर एजुकेशन अकॉर्डिंग टू नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF रिलीज ऑन थर्सडे। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो IISc बेंगलोर जो है, वो सेकेंड प्लेस पर आती है, और जो IIT दिल्ली है वो थर्ड प्लेस पर आती है।
एक्चुअली ये पूरा आर्टिकल में उतना ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, बस खाली आप ये देखिए कि किस किस मापदंड में इस रैंकिंग को NIRF जो है वो रैंकिंग देती है सारे कॉलेजेस को। फर्स्ट टीचिंग एंड लर्निंग, सेकंड स्टूडेंट एंड फैकल्टी स्ट्रेंथ, थर्ड यूज़ ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, फोर्थ रिसर्च पेपर, पेटेंट एंड ग्रेजुएशन आउटकम, कितने लोग वहाँ से ग्रेजुएट हो पाते हैं बैक, ज़्यादा को लग तो नहीं लगता। उन सब पैरामीटर्स के साथ साथ ये भी देखा जाता है कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कितना ज़्यादा निभा रही है रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी जो कि इसमें सम्मिलित है, एस्पेक्ट ऑफ एडुकेशन, किस तरीके के एडुकेशन उसमें उसको दिए जा रहे हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ को के उत्थान के लिए, ये एस्पेक्ट्स काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। यूनिक प्रोविजंस उनके ऐसा भी है कि इंस्टीट्यूशन को इस पे इसके आधार पे भी जज किया जाता है कि उसमें कितना ज़्यादा जेंडर जियोग्राफिकल सोशो इकोनॉमिक डाइवर्सिटी है और किस तरीके से वो वेलकम करते हैं डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट्स को भी, क्या उनको जगह मिलती है या फिर नहीं। 90% जो पैरामीटर्स हैं NIRF के वो कम्प्लीटली ऑब्जेक्टिव हैं, 10% ही ऐसे पैरामीटर्स हैं जो कि सब्जेक्टिव हैं, जिस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट और ईजी फिजेबल माना गया है, ऐसा कि मिस्टर निशांग कहते हैं। मिस्टर निशांग हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं, वो ये भी एक्नॉलेज करते हैं कि इंडियन इंस्टीट्यूशन जो है फिलहाल स्ट्रगल कर रही है इंटरनेशनलाइजेशन की वजह से और ग्लोबल रैंकिंग में हम काफ़ी पीछे हैं। इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि NIRF की जो रैंकिंग है फिलहाल इस वजह से, क्योंकि परसेप्शन जो है ग्लोबली कि इंडियन जो इंस्टीट्यूशंस है वो काफ़ी उतना अच्छा एक्ट नहीं कर, उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करती, उतनी अच्छी एडुकेशन वहाँ नहीं मिल पाती, जिस वजह से हमारी रैंकिंग जो है काफ़ी पीछे रहती है। लेकिन ये मिस्टर निशांग जो हैं वो ऐसा उम्मीद करते हैं कि फ्यूचर में आगे चलकर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस भी हमारे NIRF रैंकिंग के अंदर इंस्टीट्यूट्स को मायने दे पाएंगे और हम भी वाइस वर्सा उसके साथ ऐसे ही कर पाएंगे। नेक्स्ट आर्टिकल है रिजर्व बैंक प्रपोजल अ शोर अप बैंक बोर्ड्स। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो एक नॉर्म्स लेकर के आ रही है जिसके थ्रू स्ट्रॉन्गर बोर्ड्स फॉर बैंक्स जो है अपनी कंट्री में हम लोग उतार सकेंगे, जिसमें इम्प्रूव करेंगे हम गवर्नेंस को और प्रपोज करेंगे स्ट्रिंजेंट नॉर्म्स को जिसके थ्रू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स को अपॉइंट किया जाए और होल टाइम डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया जाए। अभी की तरह नहीं कि पार्ट टाइम डायरेक्टर्स हों जो कि एक साथ चार पांच चीज़ों को देख रहे हैं, इंडस्ट्री भी देख रहे हैं, होटल्स भी देख रहे हैं और किसी बैंक के डायरेक्टर भी हैं। द नॉर्म्स आर एप्लीकेबल फॉर ऑल द प्राइवेट बैंक्स, फॉरेन बैंक्स और कुछ पब्लिक सेक्टर बैंक्स भी, एक्सेप्ट वो जिनको स्पेशली प्रिस्क्राइब किया गया है कि ये इनका अभी इस तरह के प्रोविजंस के अंतर्गत नहीं आते। हो सकता है जो तुरंत तुरंत स्टार्ट हुआ है या फिर जो बहुत पुरानी संस्था है, जो भी जिसको भी गवर्नमेंट जो है वो स्पेसिफाई करेगी स्पेसिफिकली उनके ऊपर सिर्फ ये लागू नहीं होगा, या ऐसा भी हो सकता है किसी के ऊपर लागू ना हो अगर गवर्नमेंट जो है वो ये इंस्ट्रक्शंस अभी फ़िलहाल तो जारी की नहीं है, इसके ऊपर विचार हो रहा है, आगे चल के हो सकता है अगर वो जारी ना करने का सोचे तो किसी के ऊपर भी लागू ना हो। डिस्कशन में क्या चल रहा है, डिस्कशन पेपर में ये कहा गया कि गवर्नेंस इन कॉमर्शियल बैंक इन इंडिया जो है उसको रेगुलेट करना बहुत ज़रूरी है। बैंकिंग रेगुलेटर्स जो हैं वो सजेस्ट करते हैं कि एम्पावर करें बैंकिंग बोर्ड को और सेटल करें एक कल्चर और वैल्यू सिस्टम उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। वो ये भी रिकॉग्नाइज करते हैं कि इनको मैनेज करना, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को जो है कि वो सब्सिडाइज करना, कोऑपरेशन मेंटेन करना, ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। ये इतना इसलिए भी ज़रूरी है कि रिस्क और मैनेजमेंट ऑफ रिस्क जो है आपके वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कंपोनेंट होती है किसी भी मैनेजमेंट में, सुपरविजन के लिए, ओवरसाइट ऑफ सीनियर मैनेजमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होती है। इस सब चीज़ों को अगर आप इम्प्रूव कर पाते हैं तो क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस ऑफ फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज का जो एक क्वालिटी होता है वो ऑटोमेटिकली टाइम के साथ एफिशिएंट होते जाता है और जो रिसोर्सेस हैं आपके वो और मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाते हैं। इससे डिपॉजिटर्स को भी और ज़्यादा प्रोटेक्शन मिलता है, उनके इंटरेस्ट सर्व होते हैं और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत हद तक आपके देश में, आपके इंस्टीट्यूशंस में आती है।
आरबीआई का ये भी कहना था कि जितने भी बोर्ड मेंबर्स होंगे वो एक्चुअली में कोई भी अलग इंस्टीट्यूशन या फिर बैंक के वो बोर्ड में मेंबर नहीं होने चाहिए, या फिर वो किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी नहीं होने चाहिए, कोई नेता अभिनेता नहीं होने चाहिए, लेटर लेजिस्लेचर और म्यूनिसिपल बॉडीज़ के ब्यूरोक्रेट्स भी नहीं होने चाहिए। इनके अलावा कोई अगर बनता है ऐसा भी है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स 6 से कम नहीं होने चाहिए और 15 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। जो बोर्ड जो है वो हमेशा हर 6 महीने पे एटलीस्ट, मतलब एक साल में एटलीस्ट 6 बार मिलने चाहिए और टोटल 60 डेज के अंदर एक बार तो वो मिलने ही चाहिए, मतलब 2 महीना में एक बार जरूर मिलना। द बोर्ड शैल नॉट हैव मोर देन 3 डायरेक्टर्स, जो कि ये डायरेक्टर ऑफ का, और किसी भी एक डायरेक्टर के पास 20% से ज़्यादा वोटिंग राइट्स नहीं होने चाहिए। जो शेयर होल्डिंग है उसके पास बैंक के 20% ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 20% से ज़्यादा है तो वो डायरेक्टर नहीं बन सकता है, क्योंकि फिर उसके पास जो इक्वल से है आपस में किसी भी बोर्ड मेंबर्स में वो नहीं होता है। फिर अगर ज़्यादा वोटिंग राइट्स रहती है तो फिर वो मालिकाना वाली बात आ जाती है, तो सबको इक्वल सेइंग एक्सपीरियंस शेयर करने का मौका नहीं मिल पाता है, फिर वो हायरार्की वाली सिस्टम आ जाती है। फिर डायरेक्टर ऑफ द बोर्ड कौन बन सकता है? एक्चुअली कोई भी बन सकता है, अगर वो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी का ओनर नहीं है तो वो बन सकता है, और अगर वो फुल टाइम वहाँ का नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज की का एम्प्लॉय भी नहीं है तो भी वो बन सकता है। तो यही था आर्टिकल।